मनोहर लाल ने भाजपा प्रत्याशी मोहनलाल बड़ौली के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, पहले चुनाव में मजा नहीं आ रहा था, लेकिन अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। जनता कांग्रेस का सच जानती है कि इनकी बौखलाहट सामने आ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का गरीबी हटाओ वाला नारा झूठा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता जब भी कोई विकास का पैसा रिलीज होता था उसको गायब कर जाते हैं। मनोहर लाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और भारत को विकसित किया जाना है। जनता मोदी के कार्यों से संतुष्ट है और 400 पार का नारा लक्ष्य भी पूर्ण होगा। उन्होंने आगे बताया कि अब कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया है और चुनाव लड़ने में भी मजा आएगा। जनसंकल्प रैली में भारी संख्या में पहुंची जनता से पूर्व सीएम मनोहर लाल संतुष्ट नजर आए और स्टेज से हाथ हिलाकर उनका अभिनंदन स्वीकार किया। इस दौरान जनता को आश्वासन दिया कि गुरुग्राम की तर्ज पर सोनीपत विकसित होगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने वक्ताओं के जितने भी विषय थे और मेरा काम आसान कर दिया। मेरे दिमाग में बहुत से विषय आ रहे थे, आज वाणा रैली में मैं ये बात बताऊंगा, ये बताऊंगा, ये बताऊंगा, लेकिन मेरे सामने जितने वक्ता बोले मेरी बातें लगभग सब उन्होंने बता दी। फिर भी कुछ बातें जो रह गई हैं आपकी, आपको उसकी तरफ मैं जरूर इशारा करूंगा। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार जैसे चुनाव में होता है लोकसभा का ये चुनाव, हमने अपने प्रत्याशी आज से एक महीना पहले घोषित कर दिए थे। 13 मार्च को 6 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले हरियाणा में घोषित हुए थे, 4 बाद में और 8 दिन बाद उनका भी घोषणा हो गई थी। लगभग एक महीने से ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे विषय ध्यान में करते हुए आपके सामने प्रत्याशी बताए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का हाल ये था, लगातार एक महीने से उनके कार्यकर्ता भी इंतजार करते रहे और उनके घर में जिस प्रकार की समस्याएं थी वो समस्याएं पब्लिक को पता लगती रही। आखिर वो कैसे करें, क्या करें, जिस प्रकार की लड़ाइयाँ उनके घर में थी वो पब्लिक को पता लग गई। कोई आज के नहीं, ये बहुत पुराने ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस का जो मूल अंतर है वो यही है कि हमको अपने सारे सिस्टम को पार्टी के नाते ऊपर से नीचे तक विकसित किए हुए हैं। जनता में से प्रतिनिधि हर स्तर पर, चाहे वो प्रदेश के स्तर पर, चाहे जिले के लेवल पर, चाहे मंडलों में, चाहे शक्ति केंद्रों पर, फिर बूथ लेवल पर भी पन्ना प्रमुख तक, लगभग 3.5 लाख को कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिस्टों में रख करके लोगों को संबोधित करते हुए हम आपके बीच में उनको लाए। 3.5 लाख से ऊपर है और इनके यहाँ प्रदेश की इकाई तो ले दे करके बना लेते हैं, इनके जिलों के भी गठन नहीं होते। और जब प्रत्याशी चयन की बात आती है तो 10-10 प्रकार के ये उल्टे सीधे काम करते हैं, क्योंकि वहाँ एक नहीं, कई बार तो अनेक हो जाते हैं, एक को छांटे कैसे। और कभी कभी हालत ऐसी हो जाती है कि प्रत्याशी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं होते, जब लड़ने के लिए तैयार नहीं होते तो पार्टी को कहते हैं हम लड़े तो तब, जब आप हमको हमारा खर्चा तो दे दो, क्योंकि हारने के लिए पैसा हम घर से भी खर्च क्यों करें। इनकी लड़ाइयाँ इन प्रकार की चलती रही। खैर, अच्छी बात है, देर आए सवेर आए, कल उन्होंने अपने सभी प्रत्याशी, बल्कि एक अभी भी रह गया है, अभी भी एक छोड़ करके बाकी कल घोषणा की है। कौन है, जो कुछ मुझे बोलना था मैंने बोला है, सारे विषय तो आप तक आ गए हैं। इस क्षेत्र का विकास भरपूर हुआ है और भी इसको तेज गति ला करके हमने कहा है कि गोहाणा एक दिन गुड़गांव के बराबर बनेगा और इसमें विकास की कोई कमी नहीं है। पहले भी 4-4 नेशनल हाईवे यहाँ बने हैं, नए नेशनल हाईवे भी क्रॉस हो गए हैं। यहाँ विकास के नाते बुटाना की यूनिवर्सिटी हो, चाहे यहाँ का स्टेडियम हो, चाहे यहाँ के पार्क हो, सब चीज़ें बताई हैं। लगभग 4,500 करोड़ रुपया इस इलाके में हम लोगों ने पिछले 8 साल में लगाया है और भी लगातार लग रहे हैं। हाँ, जहाँ तक हमारी जीत का विषय है, कल तक तो प्रत्याशी भी नहीं थे मैदान में, आज क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कहीं स्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि जनता ने सब मन बना लिया है कि इस बार की जीत नरेंद्र मोदी जी की जीत के लिए
400 पार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी मोहल्ला जी जीती है ना। आज उन्होंने किया है तो आज पहली बार जब ये सारा विषय आया तो अब सारा आमना सामना होगा, मजा आएगा। क्यों नहीं आया? चौटाला का बयान आया था कि हम जांच में स्वागत करते हैं, अगर मामला दर्ज हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है। हाँ, तो कोई अगर मामला ऐसा आएगा तो उसी जांच होगी। कोई हमारा किसी प्रकार का कार्ड नहीं होता, हरियाणा की जनता हरियाणा की जनता है और जनता उस नाते से रोल करेगी। मनोहर जी, दुष्यंत जी ये कह रहा है 3000 पेंशन हमने कराई। सर उनका कहना है 3000 पेंशन हमने कराई, आप लोगों ने ये तो जनता जानती है आपको। सर सुपर सीम का टैग दिया गया है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।